नेशनल हाईवे पर आपको बता दें, यहाँ जोड़ने वाला पुराना पुल 45 से 50 साल से जर्जर स्थिति में है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग प्रशासन से की, लेकिन लोगों की मांग नहीं सुनी गई। पिछली सरकार से इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के चलते लोगों पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और पुल निर्माण के लिए लोगों को कई जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। समोसे में जो चुका है, इधर आने जाने में एकदम डर लगता है। ये पंडरिया से कौन सा जाने के लिए टोटल एक ही रास्ता है। ये पुल बहुत पहले का बना हुआ है, एकदम साइड का भी जर्जर हो गया है। और जो पुल टूटा हुआ है, कभी भी टूट भी सकता है। वो हम यहाँ से आना जाना करते हैं, यहाँ जो भी है, जो आप देख रहे हैं आसपास में जो भी है आप देख रहे हैं, पंडरिया शासन वाले को सब पता है, फिर भी यहाँ का आके को जोड़ने वाला पुराना पुल 45 से 50 वर्ष से जर्जर स्थिति में है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग प्रशासन से कई मर्तबा की, लेकिन आज तक उनकी सुनी नहीं गई। स्थिति आज भी जस की तस है। चुनाव के वक्त हिमांशु ठाकुर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या वजह बताई जाती है कि पुल निर्माण की मांग लंबे वक्त से की जा रही है, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है? सरकार बदल गई, स्थिति नहीं बदल रही है? जी मैं आपको देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है पंडरिया से कवर्धा नेशनल हाईवे सड़क को जोड़ने वाले पुल की हालत पिछले 45 वर्षों से लगभग बना हुआ है, जो कि आज ये पिछले 10 वर्षों से जर्जर की स्थिति में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने नए पुल निर्माण को लेकर काफी शासन एवं प्रशासन को आवेदन दिया भी था, परंतु इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जबकि पूर्व में जनप्रतिनिधि ने हामी तो भरी, परंतु नए पुल का निर्माण अब तक भी नहीं हो सका। इस पुल से एक आदमी और मवेशी की भी मौत हो चुकी है मैम, नीचे गिरने के कारण। स्थानीय जनप्रतिनिधि कौन है हिमांशु? यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक ममता चंद्राकर हैं। और जिला प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग के जिले के कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? आना जाना तो जाहिर सी बात है इस पुल से होता ही होगा। जी मैम, आना जाना तो लगातार लगा रहता है, जबकि उस रोड पे एक बॉक्साइट का खदान भी है और वहीं दो शुगर फैक्ट्री भी है, परंतु वहाँ एक स्कूल भी है जहाँ रोजाना बच्चों का आवागमन लगा रहता है, फिर भी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान दिया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।